अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई हूँ मैं बाहर और हमारे हस्बैंड साहब बैठे हुए हैं। सलाम वालेकुम, खैरियत से है आप? सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्लान किस पे बैठा है? प्लान किस? अभी हम जा रहे हैं अड़े दिन के झोपड़े पे। अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बाहर। बाहर जा रहे हैं? हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं अड़े दिन के झोपड़े पर। तो अभी वहाँ का मंजर देखते हैं कैसा है क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा गैस यहीं पे है अभी तक। अभी उसको सब अंदर ले जाने का है, तो बस हम लोग सब अंदर रेडी हो रहे थे। तो देखते हैं सब लोग अंदर क्या कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पे बच्चे सब रेडी हो चुके हैं, स्पेशली आयशा रेडी हो चुकी है। आयशा, 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 हाय कर, सलाम कर, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं शलवार शरीफ। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं अजमेर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो इसलिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह पे दूसरे जगह। तो देखते हैं ब्लॉग बन पाएगा या नहीं, मुझे तो पता नहीं। बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बना पा रही मैं। क्या बीज लो, क्या बीज?
लास्ट टाइम हम लोग ज़ियारत करने के लिए आए हैं, तो अभी हमें शाम में स्टेशन के लिए निकलना है, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही नमाज़ के लिए और ज़ियारत के लिए आ गए थे। तो यहाँ का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। बस मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, बस ये टुकड़ों में बना है ब्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, आपको बता चुकी हूँ तबीयत ख़राब है, तो इसलिए बस अभी हम लोग शाम में निकलेंगे यहाँ से स्टेशन के लिए, हुबली के लिए। तो बस हम लोग देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का है फिर से, तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।